अक्सर हिंदी मीडियम में पढ़े लोगों की यह शिकायत होती है कि इंग्लिश ना आने की वजह से हम अपनी लाइफ में फेल हो गए। लेकिन जिनके इरादों में दम हो, सीने में गर्मी हो और दिमाग में हमेशा कुछ नया करने की लालसा हो ना, तो वह अज्ञानता को दोष नहीं देता, बल्कि वह कमियों को दूर कर अपने लक्ष्य तक जाता है। मैं आज पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा का परिचय आपसे करवाने जा रहा हूँ, जो बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़े हुए इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। विजय 15 साल की उम्र में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। चूंकि विजय स्कूल के दिनों में क्लास के पहली बेंच पर बैठते थे, इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पहली बेंच पर बैठने लगे। लेकिन एक दिन टीचर ने इंग्लिश में एक सवाल पूछा और विजय समझ नहीं पाए, क्योंकि इससे पहले की पढ़ाई हिंदी मीडियम से की थी और इंग्लिश से दूर दूर तक का कोई वास्ता ना था। उस दिन विजय को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और क्लासमेट ने भी उनका बहुत मजाक उड़ाया। इसके बाद से वह लास्ट बेंच पर बैठने लगे। कहते हैं कि आपकी कमजोरी कभी आपको फायदा भी पहुंचा सकती है। विजय ने क्लासेस छोड़ना स्टार्ट कर दिया और लाइब्रेरी में जाकर बैठने लगे। विजय ने लाइब्रेरी में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज पढ़ी। सक्सेस स्टोरी ने विजय को काफी प्रभावित किया। स्टोरीज ने विजय की इंग्लिश को तो अच्छी कर ही दी और साथ ही साथ उनके सोच को भी बदल दिया। यही कारण है कि विजय ने खुद का बॉस बनने की सोच ली। उसके बाद कंप्यूटर लैब में जाकर विजय ने कोडिंग भी सीख लिया। इसी अनुभव से 1997 में अपने क्लासमेट हरिंदर के साथ मिलकर indiasite.net की डिजाइनिंग किया। इसके बाद वो दोनों कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर भी काम करने लगे। ठीक 2 साल बाद एक अमेरिकी कंपनी ने $1 मिलियन में indiasite.net को खरीद लिया। 2001 में विजय ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर साउथ दिल्ली में एक छोटे से रूम को किराए पर लेकर प्रति दोस्त 5-5 लाख रुपए लगाकर 197 नाम से एक कंपनी बनाया, जो मोबाइल यूजर्स को मोबाइल कंटेंट जैसे न्यूज, SMS, रिंगटोन और जोक्स जैसी सेवाएं प्रदान करता था। पर 9/11 को हुए अमेरिका पर आतंकी हमले के कारण 197 का बिजनेस काफी स्लो हो गया और जल्द ही कंपनी का फंड भी खत्म हो गया। इससे निराश पार्टनर भी भाग खड़े हुए। 2 सालों तक यही स्थिति बरकरार रही। 2003-04 के संघर्ष के दिनों में विजय दूसरी कई जॉब्स करके अपनी कंपनी को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। अपने स्टाफ कर्मचारियों को सैलरी विजय ने दोस्तों रिश्तेदारों से 24% की सालाना ब्याज दर पर पैसा लोन लेकर किया। 2004 में विजय की डूबती नैया को पीयूष अग्रवाल का सहारा मिला। उन्होंने विजय की कंपनी में 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 40% शेयर खरीदे। कैश फ्लो में सुधार होने के बाद कंपनी प्रोग्रेस की पटरी पर उतरने लगी। विजय ने गौर किया कि स्मार्टफोन का उपयोग बड़ी तेजी से बढ़ा है, तो क्यों न इससे जुड़ा कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों की समस्याओं का निदान हो। इसी सोच के साथ विजय ने 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के ही अंतर्गत paytm.com नाम की वेबसाइट खोली और ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज सुविधा शुरू की। बाजार में कई अन्य वेबसाइट भी थी जो कि मोबाइल रिचार्ज की सुविधा देती थी, पर पेटीएम का सिस्टम उनकी तुलना में बहुत ही सरल था। पेटीएम का बिजनेस बढ़ा तो विजय ने paytm.com में ऑनलाइन वैलेट, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर और शॉपिंग जैसे कई फीचर भी जोड़ दिए। विजय को उनके प्रयासों और संघर्षों का फल मिला और आज पेटीएम भारत का सबसे बड़ा मोबाइल पेमेंट और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से जुड़े रह सकें। आपको यह मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।